देखिए आयुर्वेदा जो है ना सिर्फ किचन में नहीं बनता है, आयुर्वेदा के भी डॉक्टर्स होते हैं। घर पे बैठ के खुद का इलाज करने की कोशिश ना करें। ओके ये छोटी मोटी चीजें जो आप घर पे कर सकते हो अगर आपको एक आध दिन की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 14 दिन से ज्यादा आपको लगातार प्रॉब्लम फेस हो रही है तो तुरंत आप आयुर्वेदा। सो डॉक्टर इतना जरूरी है जो हमारा गट हेल्थ है, सो ऐसे में हम कैसे पहचाने कि जो हमारा गट है वो हेल्दी है या फिर कुछ गड़बड़ है, और हमें कब लगना चाहिए कि अब तो हमें शायद डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बहुत गड़बड़ हो गई है। देखिए अगर आपको क्रॉनिक सिम्टम्स हो रहे हैं, क्रॉनिक किसको कहते हैं, अगर कोई भी सिम्टम आपके शरीर में 14 दिन से ज्यादा है तो उसको कहते हैं क्रॉनिक। समझो आपको 14 दिन से ज्यादा कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम हो रही है, IBS की प्रॉब्लम यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन ऑफ वेस्ट यानी पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, या आपको ब्लोटिंग, इनडाइजेशन, एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, गर्ड, रिफ्लक्स, अगर एक बार हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार 14 दिन से ज्यादा हुआ है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके आपको पहले समझना चाहिए कि कहाँ आपकी गलतियाँ हो रही है। क्या आप लेट खाना खा रहे हो, बहुत ज्यादा खाना खा रहे हो, जंक फूड ज्यादा खा रहे हो, चबा के खाना नहीं खा रहे हो, स्ट्रेस आपके बॉडी में बहुत ज्यादा है, नींद आपकी पूरी तरह से पूरी नहीं हो रही है, शायद आपका इंग्रेडिएंट्स गलत है, शायद वो ऑर्गेनिक नहीं है, शायद उसमें कोई एलर्जेंस है या फूड इंटॉलरेंस हो रहा है, ये सारी चीजें आप जड़ तक जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने यू नो हेल्थ का जो एक फूड जर्नल रखे या एक जर्नल रखे कि आपने क्या खाना खाया, क्या सिम्टम्स एक्सपीरियंस हुआ आपको। 14 दिन से ज्यादा अगर ये बढ़ गए तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। मतलब अगर 14 दिन से ज्यादा बढ़ गया तो डॉक्टर के पास जाना है, बट इन केस अगर कोई नहीं जाना चाहता डॉक्टर के पास, अगर वो चाहता है कि होम रेमेडीज से ठीक हो जाए, आयुर्वेदा की हेल्प से ठीक हो जाए, तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि ब्लोटिंग, एसिडिटी, इन सब चीजों से कैसे छुटकारा मिलेगा? देखिए आयुर्वेदा जो है ना सिर्फ किचन में नहीं बनता है, आयुर्वेदा के भी डॉक्टर्स होते हैं। तो अगर आपको 14 दिन से ज्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जरूर जाए। घर पे बैठ के खुद का इलाज करने की कोशिश ना करें। ओके दैट्स रूल नंबर 1। 14 दिन से ज्यादा अगर प्रॉब्लम नहीं, अगर एक आध दिन की प्रॉब्लम है तो आप ये सारे सॉल्यूशंस यूज कर सकते हो। पहली बात है कब्ज, अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज हो रहा है तो आप एक ग्लास गर्म पानी में 1 चम्मच घी डाल के सुबह उसका सेवन करें और रात को सोते वक्त उसका सेवन वापस करें, या दूध में घी डाल के सेवन करें रात को। इससे कब्ज की प्रॉब्लम 5 से 10 दिन में पूरा चला जाएगा, क्योंकि ये माइनर सिम्टम है, छोटा सा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ब्लोटिंग, अगर आपको बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप जीरा, सौंफ, अखा धनिया 2-2 चम्मच और फिर थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा इलायची 2 लीटर पानी में डाल के अच्छे से उबाल के उसको छान के पूरा दिन उसका सेवन करें अगले 7 से 14 दिन तक। इससे ब्लोटिंग, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम कम हो जाएगी, बिकॉज ये जो स्पाइसेस मैंने आपको बताई ये कॉम्बिनेटिव है, इससे पेट की अग्नि, पेट के डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ती है। फिर तीसरी बात है अगर आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, आपको लगता है बहुत स्लगिश है, बहुत वजन बढ़ रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो आप दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, काली मिर्च और स्टार एनिस इसका सेवन करें। इसको गर्म पानी में उबाल के चाय बना के आप पीजिए, ये एक मसाला चाय हो गया है, पर इसमें चाय पत्ती नहीं है, दूध नहीं है। इसका सेवन आप 1 से 2 बार कर सकते हैं दिन में खाना खाने के बाद, ना नॉट ऑन एम्प्टी स्टमक, क्योंकि इससे जलन हो सकती है, बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। इससे क्या होता है आपका मेटाबॉलिक फायर, आपकी जो ऊर्जा है बढ़ने लगती है, आपके डाइजेस्टिव फायर एक्टिव होने लगते हैं, इससे वजन घटेगा और खाना अच्छे से पचेगा। ये छोटी मोटी चीजें जो आप घर पे कर सकते हो अगर आपको एक आध दिन की प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 14 दिन से ज्यादा आपको लगातार प्रॉब्लम फेस हो रही है तो तुरंत आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास बैठ के अच्छे से समझिए। और आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जब आप बैठे तो 2 चीजों का ध्यान रखिए, केवल मेडिसिन लेके घर ना आए, पहले समझिए कि आपके डाइट में कौन सी मिस्टेक्स थी, डाइट और न्यूट्रिशन को पहले करेक्ट करने की कोशिश करें। मेडिसिन शुड बी द नेक्स्ट स्टेप और द लास्ट रिसॉर्ट इफ यू आस्क मी, एंड सर्जरी शुड बी द नेक्स्ट लास्ट रिसॉर्ट। मेडिसिन 15 या 30 दिन से ज्यादा नहीं लेना चाहिए कोई भी मेडिसिन, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने अगर आपको लॉन्ग टर्म सिम्टम्स डिजीजेज है जैसे PCOS, PCOD, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें 3 महीने का मेडिसिन दिया जाता है। फिर उसके बाद भी ब्रेक लेना जरूरी है ताकि आप एक तरीके से स्टॉक ले सके कि आपका हेल्थ कितना इंप्रूव हुआ है। तो दोनों चीजों को अप्रोच करें, पहले न्यूट्रिशन पे जोर दीजिए, फिर दूसरी बात है मेडिसिन, एंड वो भी मेडिसिन एक लिमिटेड क्वांटिटी से लेते हैं एंड ओनली फ्रॉम ब्रांडेड गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर।